उसके बाद हम देखते हैं रॉबर्ट मिलिकन वर्सेस अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, रॉबर्ट मिलिकन वर्सेस अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप ये देखिए, अब मैंने आपको बताया था भाई जो रॉबर्ट मिलिकन थे, ठीक है, वो एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में जब ये एक्सप्लेनेशन दिया तो इसके ऊपर बड़ा डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया भाई। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्योंकि इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैसे माना है, डिस्कॉन्टीन्यूस, और डिस्कॉन्टीन्यूस क्या होते हैं, सिर्फ पार्टिकल्स, वेव कभी भी डिस्कॉन्टीन्यूस नहीं होती। आपको एक दुनिया में आपको एक सिंगल वेव नजर नहीं आएगी जो डिस्कॉन्टीन्यूस हो। कॉन्टीन्यूटी वेव्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको भाई, लेकिन प्लैंक्स ने रेडिएशन को क्या मान लिया, डिस्कॉन्टीन्यूस, यानी कि प्लैंक्स की बात मानने तो वेव रेडिएशन को क्या मानना पड़ेगा उनको भाई, पार्टिकल मानना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल एक तरह से बहुत वियर्ड बात थी, और स्पेशली भाई एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा। तो भाई एक आपने नाम सुना होगा जो भाई क्या बोलते हैं, रॉबर्ट मिलिकन थे, ठीक है, जिन्होंने भाई जो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो जो ई बाई एम जो था वो उन्होंने पता लगाया था। ओके, तो रॉबर्ट मिलिकन जो थे, रॉबर्ट मिलिकन ने भाई उनकी इस बात को एक्सेप्ट, जिन्होंने भाई जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने इस बात को भाई एक्सेप्ट नहीं किया कि लाइट क्या होती है, पार्टिकल। वो कह रहे थे भाई कि प्लैंक्स की बात गलत है। ठीक है, और ये बात और भी है कि भाई जो मैक्स प्लैंक थे, ठीक है, वो पैसिफिस्ट थे। ठीक है, और भाई जो ये थे एक क्या बोलते हैं, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो पैसिफिस्ट थे, यानी भाई वो वार के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे हमेशा। ठीक है, किसी भी तरह के वॉर के वो अगेंस्ट थे, और वो भाई शांति को ज़्यादा तरजीह देते थे। और जो रॉबर्ट मिलिकन थे वो एक पैट्रियोटिक मिलिट्री एंथोजिस्ट थे। ओके, तो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में काफ़ी डिफरेंस था। मतलब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि भाई उनका जो डिस्प्यूट था वो सिर्फ लाइट वेव है कि पार्टिकल है इसके ऊपर ही नहीं था। जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी, जिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से भाई वो एफिलिएशन थी उनकी, उनके रिस्पेक्ट में भी वो बहुत ज़्यादा डिफर करते थे। ठीक है, तो मिलिकन ने उनकी बात मानी नहीं कि रेडिएशन क्या होती होगी, पार्टिकल। मिलिकन ने बात मानी नहीं भाई। ठीक है, तो होता क्या है, तो 1905 में आइंस्टाइन ने बात भाई ये प्रूव की कि लाइट क्या होती है, पैकेट्स की फॉर्म में होती है, डिस्कॉन्ट होती है, और उसको यूज़ करते हुए उन्होंने भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो 10 साल तक भाई फिर क्या हुआ, रॉबर्ट मिलिकन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करते रहे अल्बर्ट आइंस्टाइन को गलत साबित करने के लिए। ठीक है, लेकिन 1916 में उन्होंने फिर भाई उन्होंने भाई ये बात मान ली कि आइंस्टाइन ठीक है। ठीक है, कि आइंस्टाइन का जो एक्सप्लेनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी तरह का उसमें कोई भी उसमें भाई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ी। ओके, और क्या बोलते हैं भाई फिर उन्होंने, और तो कमाल की बात देखें आप भाई कि उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज उनकी डिफरेंट थी, लेकिन विज्ञान इतनी ज़्यादा भाई एक क्या बोलते हैं यूनिवर्सल चीज़ है, इतनी एब्सोल्यूट है कि उस पर दोनों को एग्री करना पड़ता है। तो साइंस के कानून की खास बात यही है कि ये आपकी आपका जो फेथ है या आपकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उससे बिल्कुल एक तरह से उनके बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, ठीक है, तो अल्बर्ट तो भाई 10 साल तक काम करने के बाद वो बोले कि भाई आइंस्टाइन की बात सही है, और उनको फिर भाई, और आइंस्टाइन को मैं आपको बताऊं भाई नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया था, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 1921 में उनको उनके काम के लिए, जो डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसके लिए उनको भाई क्या बोलते हैं नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया था। अब आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि आइंस्टाइन को नोबेल मिला होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको नोबेल क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का उस वक्त तक भाई जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भाई एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ वेरीफाइड थी। ठीक है, तो इसके लिए उनको भी नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया था 1921 के अंदर। और कमाल की बात देखें, आइंस्टाइन को गलत साबित करने के 10 साल तक काम किया रॉबर्ट मिलिकन ने। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने भाई आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी उनको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से सोफिस्टिकेटेड मैनर में उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी को एक तरह से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया और सही पाया। ठीक है, तो 1923 में फिर रॉबर्ट मिलिकन को भी नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया गया था। ठीक है, उनका फॉर हिज वर्क ऑन द एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
इस चीज़ के लिए भाई, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एलिमेंट चार्ज होता है वो पता करने के लिए उनको भाई नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। ठीक है, तो ये थी भाई। ओके, तो लास्ट में भाई दोनों, तो आप समझे मेरी बात, तो आप तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई प्लैंक्स की बात इतनी वीर्ड क्यों थी, क्योंकि प्लैंक्स ने लाइट को क्या माना था, पार्टिकल, और पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस पार्टिकल्स कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होते भाई, कॉन्टिन्यूस क्या होती है हमेशा वेव। ओके, तो यहाँ से लाइट को एक तरह से ड्यूल कैरेक्टर मिल जाता है, पार्टिकल कैरेक्टर एज वेल एज वेव कैरेक्टर। कई फिनोमेना में लाइट कैसे बिहेव करती है एज वेव, कई फिनोमेना में लाइट कैसे बिहेव करती है, लाइट कैसे बिहेव करती है एज पार्टिकल। ठीक है भाई।